अगर आप 30 साल से कम हो और अगर आप इस देश में जर्मनी में पढ़ने आ रहे हो बैचलर्स या मास्टर्स, ये वीडियो एक इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक है। इस देश में दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो होता है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को कहते हैं स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस, इसको प्राइवेट ही कहते हैं। मेरा रिकमेंडेशन मानो तो आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, भले उसका पैसा थोड़ा ज्यादा हो। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का आप पर मंथ देते हो 108 यूरो से लेके 110 यूरो तक। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा आधा होता है, लाइक लिटरली कभी कभी आप 40 देते हो, कभी कभी आप 55 देते हो, 50 देते हो, ऐसा कुछ यूरोस पर मंथ होता है। एक एग्जांपल देके आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। मेरा एक एम्प्लॉय था, उसकी ये वाली हड्डी थी ना, लिटरली ये वाली हड्डी टूट गई। उसने मेरे को फोन किया कि यार निक तू आ सकता है क्या। मैं गया हॉस्पिटल, सब कुछ काम वाम हो गया। जब बिल की बारी आई ना, हॉस्पिटल इनवॉइस रेज करके डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेज पाएगा, क्योंकि इसका प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस था इस केस में। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों को ऑन द स्पॉट पे करना पड़ता है। अगर यही जगह पे पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होता उसके पास, तो उसको एक रुपया नहीं देना पड़ता, उसने अपना कार्ड थमाया होता, उन्होंने सीधा ये इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया होता, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।